हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सारिका त्यागी। तो दोस्तों, आज हम सेवैयाँ और जवें, जिन्हें सेवैयाँ बोलते हैं, वो बनाने वाली हूँ। उससे पहले अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके पास पहुँच सके। और वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ, ये जो सेवैयाँ हैं ये मैंने घर में ही बनाई है, और ये किस तरह से बनती है वो भी मैं आपको बताऊँगी अगली वीडियो में। सेवैया यानी मतलब जवे भी बोलते हैं, सेवैया भी बोलते हैं। तो इस तरह से मैंने इनको घर में ही बनाया है, मैं इसकी रेसिपी भी आपको बताऊंगी। ये मैंने लिया है और प्याज काट लिया है, हरी मिर्ची, दो आलू काटे हैं, दो टमाटर, एक नींबू लिया है मैंने, इसमें मैं बाद में डालूंगी नींबू का रस, और ये धनिया पत्ती ली है। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये कढ़ाई ली है, मैंने देखो इसको ऑयल भी गर्म हो चुका है, मस्टर्ड ऑयल डाला है मैंने, और मैंने इसे गैस पर रख दिया है। अब मैं इसके अंदर जीरा डालूंगी, हम इसके अंदर एक चम्मच जीरा डालेंगे। जीरे में ब्राउन कलर आ चुका है, तो अब प्याज ऐड करेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। मैं हरी मिर्ची भी इसमें ऐड कर दूंगी, ताकि ये भी भुन जाए। तो फ्रेंड्स, हमारी प्याज भुन चुकी है, अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी, हल्दी पाउडर, रेड चिली और धनिया पाउडर। मैंने एक एक चम्मच ही डाला है सब कुछ। ये गरम मसाला और ये एक चौथाई हिस्सा हम हींग का डालेंगे। अब इसको मिक्स करना है। ये देखिए इसका कलर कितना बढ़िया आया है। अब मैं इसके अंदर जो मैंने टमाटर काटे हैं उसको मैं ऐड करूंगी। अब फ्रेंड्स, मैं इसको 2 मिनट के लिए पकाऊंगी, तब तक जब तक कि ये टमाटर थोड़ा सॉफ्ट और मुलायम ना हो जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारे टमाटर गल चुके हैं, सॉफ्ट हो गए हैं, और ये साइड में ऑयल भी छोड़ दिया है, इसका मतलब हमारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं। अब मैं इसके अंदर जो मैंने आलू काटे हैं वो ऐड करूँगी। अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें मैं थोड़ा नमक ऐड करूंगी। अभी दोस्तों मैं इसको ढककर रख दूंगी, जब तक ये हमारे आलू सॉफ्ट होते हैं तब तक मैं ये ढककर रखूंगी। मैंने 4 से 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। अगर आपको लगे कि आलू सूख रहा है, कढ़ाई में लग रहा है, तो आप उसमें थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हो। ये देखिए, बिल्कुल थोड़ा ही पानी डालूंगी मैं, ताकि ये गलने में आसानी हो। बाकी पानी हम बाद में ऐड करेंगे, जब ये आलू गल के पककर तैयार हो जाएगा। अब ये बहुत जल्दी गलेगा। तो दोस्तों, 5 मिनट हो चुके हैं, अब मैं देखती हूँ, ये सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। ये मैंने एक कटोरा जवे लिए हैं, तो एक कटोरा मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। अब इसमें उबाल आने तक मैं इसको ढककर रख दूँगी। तो फ्रेंड देखो, हमारे पानी में उबाल आ चुका है, और ये जो मैंने जवे सेवैयाँ लिया है इसको मैं इसमें ऐड करूँगी। ये मैंने भून लिया था, पहले ही भून के रखा हुआ है। अब मैं इसके अंदर इसको ऐड कर दूँगी।
ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसे हमें चलाना नहीं है, चलाएंगे तो आलू ऊपर आ जाएंगे। अब इसको मैं ढक कर रखूँगी और बीच बीच में चेक करना है कि ये हमारे सेवैया और आलू गले हैं या नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़े थोड़े गलने लगे हैं, मैं इनको बीच में चेक किया है। अब ये और थोड़ा पकेंगे और ये फूल कर भी देखो कितने मोटे मोटे हो गए हैं। ये इसी तरह फूल जाते हैं अगर हम इन्हें घर में बनाते हैं तो। और ये घर में बनाए हुए सेवैया या फिर जवे बहुत टेस्टी लगते हैं, आप इनको ज़रूर बनाकर ट्राई करके देखना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे जवे बनकर तैयार हैं। ये देखिए ये खिले खिले से हो जाएंगे थोड़ी देर में जब ठंडे होंगे। ये देखिए अब मैं इसके अंदर नींबू ऐड करूँगी, नींबू हम इसमें निचोड़ देंगे। और मैंने जो हरा धनिया काटा है उसको भी मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखिए हमारे जवे बनकर एकदम तैयार है। आप इसे नाश्ते में या फिर लंच में डिनर में कभी भी खा सकते हो, ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और बच्चों को बहुत पसंद आते हैं ये। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने घर पर ही कितने अच्छे से सेवैया और जवे बना लिए हैं। मैंने इसको सर्व भी कर दिया है, आप इसी तरह से बनाना तो बच्चे देखना कितने खुश होकर खाएंगे इसको, बड़े भी और छोटे भी। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आप ज़रूर देखना और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक मैं दूसरी वीडियो लेकर आती हूँ, तब तक के लिए बाय।